गुड मॉर्निंग क्लास 4. टुडे वी विल स्टडी लेसन 39 स्टोरी बुक कैरेक्टर्स. यानी जो कहानियाँ हम पढ़ते थे उनमें कुछ कैरेक्टर्स होते थे ना जो ज़्यादा फेमस हो गए थे, कुछ ऐसे नाम थे, कुछ ऐसे लोग थे उसमें वो जो ज़्यादा फेमस थे. तो हम कुछ स्टोरी बुक की कहानियों के कुछ कैरेक्टर्स पढ़ेंगे. जैसे मैं बता दूँ, जैसे एक सिंड्रेला वाली स्टोरी थी है ना, जो जूता छूट गया था. अलादीन वाली स्टोरी थी है ना, और एक वो जिसके बाल बहुत लंबे लंबे थे गर्ल, वो फेमस थी. तो इन सब के हमें नाम बताने हैं. ओके, आइडेंटिफाई दीज पॉपुलर कैरेक्टर्स. इन पॉपुलर कैरेक्टर्स की पहचान करनी है फेमस स्टोरीज में से. एंड फिल इन द ब्लैंक्स टू कम्प्लीट देयर नेम्स. और इनके नाम पूरे करने के लिए ब्लैंक्स भरने हैं. नाउ सी नंबर 1. हर मदर वॉज डेड एंड हर फादर हैड मैरिड अ विडो विथ 2 डॉटर्स. यानी उसकी जो मदर थी उनकी डेथ हो गई थी, वो मर गई थी, और उसके पिता ने शादी दोबारा दूसरी शादी कर ली एक विधवा औरत से जिसकी 2 बेटियां थी. ये स्टोरी आप लोगों ने पढ़ी होगी ना, कि उसमें उसकी मदर मर जाती है. कौन रहती है? सिंड्रेला. सिंड्रेला की मदर नहीं रहती है, उसके फादर जो होते हैं वो एक विधवा औरत से शादी कर लेते हैं जिसकी पहले से ही 2 बेटियां रहती हैं, है ना. तो ये लोग इसको बुरी तरीके से ट्रीट करती हैं सिंड्रेला को. तो ये बहुत ही फेमस स्टोरी है. तो इस कैरेक्टर का जो नाम है, इस कहानी की जो मेन कैरेक्टर थी वो कौन थी? सिंड्रेला. CINDERELLA. सिंड्रेला. नाउ सी नंबर 2. ही स्टील यानी चोरी करना फ्रॉम द रिच अमीरों से टू गिव टू द पुअर गरीबों को. यानी वो चोरी करता था अमीरों के पास से गरीबों को देने के लिए. ठीक है, तो वो कौन था? रॉबिन हुड था. RobinHood. अमीरों से चोरी करके चीजें वो गरीबों को देता था. नंबर 3. ही प्लेड द पाइप एंड अट्रैक्टेड द रैट्स. ये पाइप प्ले करता था, एक तरह का पाइप एक इंस्ट्रूमेंट है, वो प्ले करता था और आकर्षित किया इसने, अट्रैक्ट यानी आकर्षित करना, इसने रैट्स को अपने वश में कर लिया. हम कह सकते हैं वश में भी करना. और उनके साथ जैसे रैट्स नहीं, जो ये स्टोरी आप लोगों ने पढ़ी होगी ना पाइड पाइपर की, कि चूहे बहुत हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं ना, तो एक आदमी को बुलाते हैं जिसका नाम रहता है पाइड पाइपर, है ना. तो वो ऐसी पाइप बजाता है कि सारे चूहे उसके पीछे चले आते हैं. तो वो कौन सा कैरेक्टर रहता है, उसका क्या नाम रहता है? पाइड पाइपर. PIED PIPER. पाइड पाइपर. ही प्लेड द पाइप, वो पाइप बजाता है एंड अट्रैक्टेड द रैट, और रैट को आकर्षित करता है यानी अपने वश में करता है. सी नंबर 4. द ड्वार्फ फाउंड हर लाइंग अपॉन द ग्राउंड. यानी ड्वार्फ जब आए वापस लौट के, तो उन्होंने क्या देखा कि ये स्टोरी की कैरेक्टर कौन है? स्नो वाइट है. कि स्नो वाइट जमीन पे लेटी हुई थी. ठीक है, स्नो वाइट, इसका क्या नाम था लड़की का? SNOWWHITE. ये स्टोरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, जो स्नो वाइट की क्रूएल मदर रहती है, उसको जंगल में भिजवा देती है, तो फिर उसको ड्वार्फ मिलते हैं, वो लेके आते हैं उसको अपने घर रखते हैं, है ना. ये स्टोरी पढ़ी होगी ना. तो इसकी सबसे मेन कैरेक्टर कौन थी? स्नो वाइट. SNOWWHITE. ठीक है, तो जब ड्वार्फ्स आते हैं तो वो क्या फाउंड करते हैं, उन्हें क्या मिलता है? कि स्नो वाइट क्या होती है? जमीन पे लेटी होती है. सी नंबर 5. ही इज अ स्टूडेंट एट हॉगवर्ट्स. ये हॉगवर्ट्स का एक स्टूडेंट था. स्कूल ऑफ विच क्राफ्ट एंड विजार्डरी. यानी जो विच क्राफ्ट और विजार्डरी का स्कूल था, यानी नई नई खोज का, नई नई चीज़ों का जो स्कूल था, तो ये वहाँ का स्टूडेंट था और वहाँ का नाम था हॉगवर्ट्स स्कूल. ठीक है, तो ये कौन था? ये तो आप सबको पता होगा, ये बहुत ही जाना माना कैरेक्टर है, बहुत ही जाना माना नेम है, हैरी पॉटर. इसकी तो आप लोगों, इसकी तो पिक्चर्स भी आई हैं, इसकी स्टोरी बुक भी है, नॉवेल भी है, इस पर तो बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं. तो ये एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर था जिसने हॉगवर्ट्स स्कूल में पढ़ाई करी थी, जो कि जादू का और क्राफ्ट्स का स्कूल था. ठीक है, तो ये कौन था? हैरी पॉटर. HARRY POTTER. हैरी पॉटर.
नंबर सिक्स, द सेलर हु हैड इनक्रेडिबल एडवेंचर्स ऑन हिज सेवन वॉयजेस, यानी एक ऐसा सेलर, एक यानी सेलर यानी जो नाव चलाता है, एक ऐसा सेलर जिसने अविश्वसनीय एडवेंचर्स किए, किस पे, सात यात्राओं पे, तो वो एक ऐसा सेलर कौन था? सिंधबाद, SINDBAD, वॉयजेस यानी यात्राएं। नंबर सेवन, द बॉय हु फाउंड अ मैजिक लैम्प, ये तो आप सबको पता होगा, ये भी एक बहुत ही जानी मानी स्टोरी है, इस पर भी पिक्चर्स बनी है, इस पर भी नॉवेल्स लिखी हैं। एक ऐसा बॉय जिसे मैजिक लैम्प मिली है ना, तो जब उसको घिसता है तो उसमें से अलादीन निकलता है ना, जो कहता है कि बताइए मैं आपकी कोई भी इच्छा पूरी करूँगा, है ना, तो किसको मैजिक लैम्प मिलता है? अलादीन को, ALADDIN। नंबर एट, द गर्ल हुज लॉन्ग हेयर हेल्प्ड द प्रिंस टू क्लाइंब अप द टावर, यानी गर्ल, एक ऐसी लड़की जिसके लंबे लंबे बाल थे, हेल्प्ड द प्रिंस, उसने प्रिंस की हेल्प की किस चीज़ में? टू क्लाइंब अप द टावर, टावर को चढ़ने में, है ना, एक ऐसी लड़की, यू कैन सी है द पिक्चर, देखो इसके बाल कितने लंबे लंबे हैं, है ना, तो इसने क्या हेल्प की? इसने हेल्प की प्रिंस की, राजा की, चढ़ने में टावर को। तो ये कौन थी? रापुंजल, RAPUNZEL, रापुंजल। नाउ कम ऑन नेक्स्ट लेसन। सो नाउ वी विल स्टडी लेसन 40, फाइंड इन अ डिक्शनरी, डिक्शनरी में खोजो। अ डिक्शनरी इज अ स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये हम सबको पता है कि डिक्शनरी जो है एक इंफॉर्मेशन का पूरा घर है, यानी अब देखो हम लोग डिक्शनरी खोलते हैं, उसमें कितने सारे वर्ड दिए रहते हैं, हर वर्ड की हिंदी में मीनिंग दी रहती है ना, हमें किसी भी वर्ड में कोई भी प्रॉब्लम है तो हमने डिक्शनरी खोल के देखी, हमें तुरंत उस वर्ड का आंसर मिल गया। तो जो डिक्शनरी है वो एक इंफॉर्मेशन है, पूरी यानी पूरी एक किताब है, पूरी एक खोज है, पूरा एक हाउस है कि जिसमें हमें हर चीज़ मिल सकती है। इट गिव्स अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उसमें क्या रहता है कि जितने भी वर्ड्स रहते हैं सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यानी ABCDEFG इस तरह के ऑर्डर्स में सारे वर्ड्स लिखे हुए होते हैं। व्हाट दे मीन, वो क्या बताते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर मीन्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लेटर्स, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि ऑर्डर्स का सही तरीके से लगा होना, जैसे कि लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स होते हैं उस तरीके से डिक्शनरी में भी ए से पहले सारे वर्ड्स दिए रहते हैं, फिर सारे बी से दिए रहते हैं, फिर सारे सी से दिए रहते हैं, ए में भी सबसे पहले क्या आता है, ए से ए वाले वर्ड्स आते हैं, फिर उसके बाद ए बी वाले आते हैं, फिर ए सी वाले आते हैं, फिर ए डी वाले आते हैं, फिर ए ई वाले आते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, इस तरीके से बी में सबसे पहले ए वाले सारे वर्ड्स होते हैं, फिर उसके बाद बी वाले सारे वर्ड्स होते हैं, फिर सी वाले सारे वर्ड्स होते हैं, है ना, इस तरीके से एक डिक्शनरी होती है। तो इन एन इंग्लिश डिक्शनरी, कह रहा है इंग्लिश डिक्शनरी में, विच ऑफ दीज वर्ड्स विल अपीयर अर्लियर, पहले कौन सा शब्द आएगा? अब देखो दो दो वर्ड्स आपको दिए हुए हैं ना, इन दो वर्ड्स में से आपको ये बताना है कि सबसे पहला शब्द कौन सा आएगा डिक्शनरी में, ठीक है। Now let's start. See number वन दिया है, दो sentences दिए हैं, dog और dirty। पूछ रहा है English की dictionary में सबसे पहले कौन सा word आता है। अब अभी मैंने क्या बताया था, सबसे पहले ऐसे चालू करते हैं ना, पहले A के सारे words होते हैं, फिर A B के सारे words होते हैं, A C के, है ना, तो D दिया है, ठीक है, ये भी D दिया है। अब D के बाद ये दोनों तो D से start है ना, फिर हम इसके second letter को देखेंगे, O दिया है और आइडिया है। अब मुझे बताओ अल्फाबेट में अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तो करोगे तो सबसे पहले आई आएगा कि पहले ओ आएगा? पहले आई आएगा ना, तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये वर्ड हमारा पहले आएगा, तो हम इसको यहाँ लिखेंगे डी आई आर टी वाई, डर्टी। नाउ सी नंबर टू, प्लेन और पेन। अब देखो प्लेन, पी और पी तो दोनों में सेम है, लेकिन पी के बाद एल है और इसमें P के बाद A है, तो सबसे पहले A वाले वर्ड्स आएंगे ना इंग्लिश डिक्शनरी में, तो कौन सा वर्ड आएगा? पेन, PANE। नाउ सी नंबर थ्री, जनवरी और जून। अब देखो जे जे, ठीक है, अब ये देखो A है और ये U है, तो पहले कौन सा वर्ड आएगा? ये आएगा J A N
UARY जनवरी. ओके नाउ सी नंबर 4 सैटरडे और संडे. अब देखो S सेम है, A उसके बाद दिया है और U दिया है, तो पहले डिक्शनरी में कौन सा आएगा? सैटरडे आएगा. सी नंबर 5 इंटरेस्ट और इंटरसेक्ट. अब इसमें देखो वर्ड्स I है, N है, N है, सेम है, T है, E है, है ना, R है. अब देखो R के बाद इसमें E है ना, और इसमें क्या है? S है. अब E और S में से पहले डिक्शनरी में कौन सा वर्ड आएगा? E आएगा ना, तो कौन सा लिखेंगे? इंटरेस्ट, INTERESTT, इंटरेस्ट. ओके नाउ सी नंबर 6 हॉरिड और होम. H, ठीक है, OR दिया है इसमें और इसमें M दिया है, तो पहले डिक्शनरी में कौन सा आएगा? M आएगा ना, तो क्या आएगा? HOME, होम. नाउ सी नंबर 7 विंटर और स्प्रिंग. अब ये तो सबसे ज़्यादा सिंपल है, पहले W आता है कि पहले S आता है? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW, पहले S आएगा, W बाद में आएगा, तो क्या करेंगे? स्प्रिंग, यानी इंग्लिश डिक्शनरी में पहले स्प्रिंग आएगा, SPRING. नाउ नंबर 8 टेलीविजन और टेलीफोन. देखो TTEELEE. अब इसमें देखो V है ना, इसमें P है, तो डिक्शनरी में पहले V आएगा कि P आएगा? पहले P आएगा, तो क्या होगा? टेलीफोन, TELEPHONE, टेलीफोन. नाउ सी नेक्स्ट. ओके सो नाउ वी विल स्टडी लेसन 41 बुक्स एंड ऑथर्स, किताबें और उनके लेखक. ठीक है, राइट द नेम्स ऑफ द ऑथर्स ऑफ द फॉलोइंग बुक्स. ये नीचे बुक्स दी हुई हैं कुछ, हमें इनके ऑथर्स के नाम लिखने हैं, लेखकों के नाम लिखने हैं कि ये बुक्स किसके द्वारा लिखी गई हैं. नाउ सी नंबर 1 पंचतंत्र. पंचतंत्र ये बुक है, बुक का नाम है, तो ये बुक किसने लिखी है? पंचतंत्र विष्णु शर्मा, VISHNUSHARMA, विष्णु शर्मा. नंबर 2 लिटिल वुमेन. लिटिल वुमेन किसने लिखी है? लुइजा मे एलकॉट, LOUISA, लुइजा MAY, मे ALCOTT, एलकॉट. नंबर 3 द एडवेंचर्स ऑफ ओलिवर ट्विस्ट. ओलिवर ट्विस्ट के एडवेंचर्स, ये किताब किसने लिखी है? चार्ल्स डिकेंस ने, CHARLES, चार्ल्स DICKENS, चार्ल्स डिकेंस. यहाँ पे एडवेंचर्स का मतलब दिया गया है, जो उन्होंने खोजे किए हैं, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है ना, या मतलब कह सकते हैं जो भी उन्हें साहसिक कार्य किए हैं उन्होंने, ओलिवर ट्विस्ट ने, तो उनके बारे में बुक लिखी है किसने? चार्ल्स डिकेंस ने. सी नंबर 4 अभिज्ञान शकुंतलम. अभिज्ञान शकुंतलम बुक है, ये किसने लिखी है? कालिदास ने, KALIDASA, कालिदास. नंबर 5 गोदान. गोदान बुक है, ये किसने लिखी है? प्रेमचंद ने, PREMCHAND, प्रेमचंद. नंबर 6 अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र के बारे में किसने लिखा है? कौटिल्य ने, KAUTILYA, कौटिल्य. नाउ सी नंबर 7 भगवद गीता. भगवद गीता बुक किसने लिखी है? वेद व्यास ने, VEDVYAS. नंबर 8 गीता गोविंद. गीता गोविंद किसने लिखी है? जय देवा ने, JAYADEVA, जय देवा. वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखी है ये बुक? वेल्थ ऑफ नेशंस. वेल्थ ऑफ नेशंस का क्या मतलब है? मीन्स राष्ट्रों का धन. ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन.
तो ये इसके ऊपर बुक किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने, ADAMSMITH, एडम स्मिथ। नंबर 10, द बैंडेड क्वीन, द बैंडेड क्वीन पे किसने बुक लिखी है? माला सेन, MALASEN। नंबर 11, क्रिकेट माई स्टाइल, क्रिकेट मेरा स्टाइल, ये किसने, इस पे किसने बुक लिखी है? कपिल देव ने लिखी है, KAPILDEV। नंबर 12, वॉर एंड पीस, जंग और शांति, इस पे बुक किसने लिखी है? लियो टॉल्स्टॉय, LEOTOLSTOY, लियो टॉल्स्टॉय। ओके, नाउ कम ऑन, नोज बेस्ट। भारतेंदु हरिश्चंद्र वॉज द फर्स्ट नोन हिंदी राइटर, यानी सबसे पहले जाने माने जो लेखक थे, हिंदी के रचयिता थे जो सबसे पहले, वो कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नाउ क्लास, योर बुक अप टू पेज नंबर 55 इज कंप्लीटेड, कंप्लीटेड प्रॉपरली, एंड प्लीज डोंट डू एनी मिस्टेक्स इन राइटिंग ऑल दीज स्पेलिंग्स, राइट इट करेक्टली विद द हेल्प ऑफ हेल्प्स यू, एंड सबमिट योर बुक्स इन स्कूल फॉर चेकिंग। ओके, थैंक यू क्लास।